वेलकम बैक टू माय चैनल क्यूट प्रिंसेस ब्लॉग। तो गाइज आज है 2 जनवरी जो कि हम रात का सीन गाइज आप लोगों से शेयर कर रहे हैं। हम लोग पिकनिक से आए हैं, उसके बाद का सीन है गाइज। यहाँ पे सिचुएशन एकदम हलचल हलचल जो बोलते हैं ना, हलचल फैला हुआ है। मालूम क्यों? टीवी का साउंड कम करवा कर तब तक टीवी का बोलो मामा ब्लॉग स्टार्ट किए। तो हलचल इसलिए मचा हुआ है गाइज कि देख सकते हैं आप लोग, इधर हम आकर फटाफट कोई गर्म रोटी बना रहा है बच्चों को खिलाने के लिए। ये परी का खाना है दूध रोटी, और साथ में इधर प्रिया रानी जो है एकदम लिपस्टिक लगा के आईलाइनर लगा के जो है एकदम फैशन मार रही है टन टन। और गाइज साथ में हमारा हुआ क्या है, थोड़ा सा मतलब हो गया है कांड, उसको बोले तो कांड बोलेंगे कि यहाँ पे आप लोग जैसे कि किसी ब्लॉक में हम बताए हैं आप लोगों को कि हम लोग का यहाँ पानी का प्रॉब्लम है, तो हो गया हम लोग का पानी पूरा ही ख़त्म। ठीक है, पूरा ही ख़त्म हो गया है, तो हम लोग को हो गया बहुत प्रॉब्लम। सुन रही फालतू हमें खुश आता है कची रे, एगो सनक रहा है पानी। गाइस वो चीज शेयर नहीं कर सकते, आप चालू करो, आप नीचे आ गए तो अब क्या बनता है। तो गाइस हुआ क्या है, हम लोग जहाँ से दूध लाते हैं ना, जहाँ से दूध लाते हैं जिनके यहाँ से सुखलाल भैया के यहाँ से पानी लाए हैं गाइस, देख सकते हैं ये डब्बा वाला देख रहे हैं पानी, और एक और डब्बा आया है पानी, उससे हम लोग खाना बना रहे हैं। और थोड़ा सा पड़ोसी से थोड़ा सा लेन देन चल रहा है पानी का, तो लेन देन करके हम लोग जो है पड़ोसी से पानी लेकर और हम लोग बर्तन वगैरह धो रहे हैं, क्योंकि पिकनिक गए थे तो उस टाइम का भी बहुत सारा बर्तन था गाइस। उसके अलावा आने के बाद भी बहुत सारा हो गया, क्योंकि बच्चों के लिए दूध रोटी वगैरह वगैरह काम था, तो उसमें हो गया बहुत सारा बर्तन। तो प्रिया थोड़ा बहुत उधर करके बर्तन धो रही है, और इधर किचन में संभाल रहे हैं किचन। तो किचन का हाल ये है, परी के लिए हम दूध रोटी यहाँ बना दिए हैं, हर्ष भी लोग दूध रोटी खा रहे हैं, और हम लोग क्या खाएंगे वो हम लोग डिसाइड नहीं किए हैं गाइस। सोच रहे हैं शॉर्टकट में क्या खाएं, इतना सा बचा हुआ आटा बचा हुआ नहीं है, मैं भी सनाया था हर्ष भी और परी के लिए, तो इतना सारा आटा बचा हुआ, तो इसके बाद देखते हैं आटा का रोटी बनाते हैं, या फिर हम सोच रहे हैं कि डायरेक्ट चावल बना ले और उसमें आलू डाल ले, चोखा चावल बन जाएगा, तो वही सोच रहे हैं, तो वही चावल ही और चोखा बना लेते हैं। और हो रखा है सबका मूड खराब गाइस, इतना मूड खराब हो रखा है कि हम क्या बताएं, सबका जहर जैसा मुंह दिख रहा है, कोई पानी का व्यवस्था कर रहा है, कोई कुछ किच 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 हो गया, सब कह रहा है हम नहीं जाएंगे ऐसे कहीं, हम नहीं जाएंगे मम्मी के लिए, हम नहीं जाएंगे कहीं, हम क्या करें गाइस, हम तो ब्लॉगर हैं, हमको तो जाना पड़ेगा ना। आप लोगों को थोड़ा बहुत इधर उधर का भी सीन देखने का मन करेगा, क्योंकि हर वक्त आप लोग घर का ही सीन देखिएगा, ये अच्छा नहीं लगेगा आप लोगों को। ये प्रिया सोच रही है, भाभी बहुत बोलती है, भाभी का गला दबा दे ऐसा सोचती है प्रिया, कहती है कि भाभी बहुत बड़बड़ाती है, सो इसका गला दबा देंगे। तो गाइस आप लोग सोच सकते हैं कि हम बोलेंगे नहीं तो आप मेरा ब्लॉग इंटरेस्टिंग कैसे बनेगा, और आप लोग क्या सुनिएगा कि हमको तो बोलना पड़ेगा ना। तो ऐसे चल रहा है हमारा आने के बाद पिकनिक का सीन, देख रहे हैं हड़बड़ा के कैसे जा रहा है, आँख दिखा रहा है हमको बार बार, जब ना तब आँख दिखा रहा है गाइज। सो आई एम हैप्पी, रियली हैप्पी गाइज, आज हम बहुत खुश हैं। तो देख सकते हैं दिखाते हैं, ये हाल है हमारा यहाँ पीछे का, जो कि बर्तन ये धो रही है, मतलब बहुत ज़्यादा पानी का दिक्कत हो गया है गाइज, हम क्या बताएं। तो और माहौल दिखाते हैं गाइज आप सभी को, सकते हैं पिकनिक से आने के बाद का हाल है, जैसा कि आपको बता रहे हैं, जैसे कि ये देखिए इधर रिमोट वाला ये खरीदी है, तो ये बस समझती है कि मामा वाला ब्लॉगिंग हम कर रहे हैं, न्यू ब्लॉगर क्यूट प्रिंसेस ब्लॉग की डाउटर डाउन हो गया, तो ऐसे हो रहा है इधर ये गाइस देखिए, नानी का फायदा इसको बोलते हैं, नाजायज फायदा उठाना नानी माँ का, तुम नाजायज फायदा उठाते हो नानी माँ का। एक बात कहूँ, अगर तुम किसी का कसम खाएगी तो कसम तोड़ेगी नहीं, नहीं पक्का नहीं तोड़ेगी, मगर कसम नहीं खाएंगे हम, प्रॉमिस करेंगे ऐसे वाला, नहीं तुम कसम, नो 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 कसम नहीं, नहीं वेरी बैड कसम कि कल मुझे ले जाएंगे, ले चलेंगे। तो जैसे ये उठाता है अपनी नानी माँ का नाजायज फायदा, उनके हाथ से खाता है, तो ऐसे चल रहा है गाइस, मतलब पिकनिक से आने का माहौल अच्छा के साथ बुरा भी है, आए तो पानी वगैरह का दिक्कत हो गया है, तो पानी का उधर व्यवस्था चल रहा है, लेन देन चल रहा है गाइस, लेन देन चल रहा है, वो लेन देन आपको हम, तो इधर से ही जो है पनपना के उतर रहा, जहाँ से उतर रहा पनपना के उतर रहा, हम ही को आँख दिखा रहा, जब ना तभी नहीं यार सुधार जाएगा कहीं। तो माहौल ऐसे चल रहा है गाइस, गर्मा गर्म माहौल है यहाँ का। इधर पापा जो है मेरा, पापा ही बहुत माहौल में एकदम शामिल है, बेचारा को पिकनिक हम लोग नहीं ले गए कल जो गए ना गाइस, हम लोग वहाँ कहाँ गए पंचघाग, तो मुंह बन के आ गया, तो पापा बोले अब तहनी साथ हम ना जाए रे भाई, बाप रे थकवा दे बस, तो आज दबा छूट गई नहीं है, तो बढ़िया पिकनिक मान गए। हाँ गाइस रियली हाथ दुख गया, मतलब मेरा ये वाला हाथ ना बहुत दुख गया है, एक हम सोच रहे हैं वो जो ब्लॉगिंग स्टिक होता है ना, क्या बोलते हैं जो भी बोलते हैं मेरे लैंग्वेज से ब्लॉगिंग स्टिक नया नया नाम रखते हैं, तो वो वाला हम ले लेंगे, तो थोड़ा सा एरिया भी दिखेगा है ना, थोड़ा सा दिखेंगे हम
पहने क्या है, ऐसे तो आप लोग सोच रहे हो शॉल पहनी है क्या पहनी है, थोड़ा सा जैसे ऐसे वाला दिखेगा ना तो ऐसे दिखेगा तो आप लोगों को थोड़ा अच्छा लगेगा। तो गाइस अभी हम बैठा लेते हैं चावल, फाइनल डिसीजन ले चुके हैं कि अभी हम चावल बना देते हैं क्योंकि शॉर्ट में चावल बन जाएगा, उसके अंदर आलू डाल देंगे क्योंकि दाल है हमारा तो उसको हम गर्म कर दिए हैं। दिन को मम्मी दाल भी बना दी थी बच्चा लोग के लिए, कुछ नहीं खाएगा तो दाल चावल और आलू का चोखा या भुजिया खा लेगा, तो हमारे दाल भी है और हमारा इतना सब भुजिया भी है और इतना सारा चोखा भी है, और फिर सोच रहे आलू उसमें बॉईल कर देंगे और है नॉन वेज में भी कुछ थोड़ा सा है तो ये मेरे हस्बैंड खा लेंगे और मेरे पापा खा लेंगे तो, और हम लोग तो नहीं, हम लोग तो बहुत ज़्यादा, हम तो बहुत पेट भर के खा लिए थे उसी टाइम। तो देखिए इधर प्रिया रानी क्या कर, प्रिया क्या कर रही हो, ए प्रिया, ओ प्रिया, प्रिया रानी जो है बहुत शर्माती है, इसको पिटाई लिखा ले, इसको पिटाई लिखा ले। ये गाइज आप लोग के सामने आने, मगर प्रिया बहुत संभाल रही है, बहुत अच्छी है, अच्छी लड़की है, हम लोग के साथ बहुत घुल मिल गई है, बहुत जल्दी हम लोग के साथ घुल मिल गई है प्रिया। तो गाइज हम फाइनली चलते फटाफट चावल बैठा लेते हैं और उसमें आलू डाल देते हैं और शॉर्ट में कुछ निपटा देंगे। और देखिए कैसे पानी के बगैर तो बहुत जानते हैं, पानी है तो जीवन है, जल ही जीवन ऐसे नहीं कहा गया है कभी गाइस, जिसके साथ होता है ना एक्चुअल में हो जाता है तब फीलिंग होता है, मतलब सच बात है कि जल ही जीवन है। देखिए पानी नहीं है तो वॉशरूम जाने का भी टेंशन, खाओ मत डर के मारे भाई, वॉशरूम लगा तो गड़बड़ है ना, तो मतलब अभी पानी नहीं है तो रियली बहुत कष्ट हो जाता है, एकदम लगता है पानी अगर ना रहा तो संसार सच में नहीं रह पाएगा। तो चलते हैं इधर किचन में लग जाते हैं गाइस सब निपटा कर, फिर वापस 2 मिनट के लिए आप लोग से फिर मिलते हैं, उसके बाद हम करेंगे GN, आप लोग समझे नहीं, गुड नाइट करेंगे थोड़ी देर बाद। चावल बनाएंगे तो चावल भी बना रहे हैं, इधर चावल दिखाओ, चावल ये देखिए डेक्ची में चावल है, डेक्ची अब मेरे तरफ दिखाओ, और इधर साथ साथ में हम गाइस रोटी भी पका रहे हैं, इसलिए कि कुछ लोग हैं जो कि रोटी रोटी भी खाना चाह रहे हैं और कुछ लोग हैं चावल खाना चाह रहे हैं, तो लास्ट में दोनों चीज़ हमको बनाना पड़ा। उतना दूर घूमने के बाद, उतना थकने के बावजूद भी घर पे आके इतना सारा काम होता है गाइस, सोच लीजिए, उसके अलावा इतना आप लोग के साथ बड़बड़ाना पड़ता है, मामूली नहीं है, इसलिए प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सपोर्ट करिए। ध्यान नहीं देंगे सिर्फ 2 मिनट के लिए, हम सब काम निपटा के ऊपर आ चुके हैं, अब थोड़ा सा बेड पे जाएंगे गाइस, हम लोग बेड में आ चुके हैं और बस अब सोने के लिए एकदम आँख तड़प रहा है, देख सकते हैं इधर परी रानी सो चुकी है और हम भी सोने जा रहे हैं गाइस। प्लीज़ मेरा ब्लॉग अच्छा लगता हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, सो बाय बाय, गुड नाइट।